नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सुरक्षा परिषद यूनो का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जिसके बारे में अपन पूरा डिटेल से बात करने जा रहे हैं इसमें, कि सुरक्षा परिषद किस प्रकार से काम करती है, सुरक्षा परिषद किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यपालक अंग के रूप में ज़्यादा सफल भूमिका निभाती है, और सुरक्षा परिषद की स्थापना करने के पीछे मोटिव क्या था, सुरक्षा परिषद किस प्रकार से एक कार्यपालिका अंग, यूएनओ के जो कार्यपालिका अंग की भूमिका में है विश्व में, जो भी शांति यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब यूएनओ की स्थापना की गई, तो यूएनओ की स्थापना से पहले डम्बरटन ऑक्स में इस बात पर विचार किया गया था कि एक ऐसा कार्यपालिका अंग की स्थापना की जाए जिसकी सदस्य संख्या तो सीमित हो लेकिन जिसमें बड़े राष्ट्रों को प्राथमिकता मिले, जिसमें जितने भी बड़े राष्ट्र हैं वो उसमें सभी शामिल हो जाएं, ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करने में थोड़ी सरलता हो या आसानी रहे। विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ये जो यूएनओ है इसका सबसे बड़ा दायित्व है, कि जो दो विश्व युद्ध विश्व झेल चुका है और अभी नेक्स्ट किसी प्रकार का कोई मानव के अस्तित्व के सामने किसी प्रकार का खतरा नहीं पैदा हो, इसलिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। और यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उस कोई दायित्व दिया गया था कि सुरक्षा परिषद विश्व में किसी प्रकार की जो अशांति नहीं हो और मानव जीवन के सामने किसी प्रकार का खतरा नहीं हो, इसीलिए इसके अंदर विश्व के जितने भी बड़े राष्ट्र थे उनको शामिल करने की बात की गई, और उनको ये दायित्व दिया गया कि ये जो सुरक्षा परिषद है ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक प्रकार से सजग प्रहरी की भूमिका ग्रहण करेगी, इसका सत्र कभी समाप्त नहीं होगा और ये संकट काल के लिए भी जो विश्व है उसके लिए हमेशा कार्य करती रहेगी, और तुरंत कोई संकट अगर मानव जाति के सामने आता है तो उस संकट को पूर्ण रूप से ख़त्म करने में भी ये सक्षम होगी। यूएनओ के जो निर्माता थे जिन्होंने इस प्रकार की विश्व संस्था को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन्होंने सुरक्षा परिषद में वो सारी शक्तियाँ निहित कर दी जो एक कार्यपालिका में होनी चाहिए, और सुरक्षा परिषद को सर्वोच्च शक्ति की प्राथमिकता प्रदान कर दी। सुरक्षा परिषद रणनीतिक विषयों में जितने भी राजनीतिक इश्यूज आएंगे यूएनओ के कार्यपालिका की भूमिका ये अदा करेगी, ये इसको एक प्रकार से यूएनओ की कुंजी भी कहा गया। पामर पार्किंस ने तो ये कहा कि ये एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है, और डॉक्टर एच ने ये कहा कि ये प्रवर्तन भुजा है, यूएनओ की एक प्रकार से प्रवर्तन भुजा की तरह ये काम करेगी। इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसका जो किस प्रकार से सुरक्षा परिषद का गठन किया जाएगा, इसका यूएनओ के जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 23 में सुरक्षा परिषद का स्ट्रक्चर और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के संबंध में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। शुरुआत में सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 11 रखी गई थी, लेकिन 1 जनवरी 1966 को इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 15 कर दिया गया, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होंगे और 10 अस्थायी सदस्य शामिल किए जाएंगे। अस्थायी जो सदस्य होंगे वो 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, और इन्हीं अस्थायी सदस्यों में पूरे विश्व में इनका प्रतिनिधित्व को बांट दिया गया। जैसे एफ्रो एशियाई जितने भी राष्ट्र हैं उनमें से 5 सदस्य ले जाएंगे, पूर्वी यूरोप के
जो राष्ट्र हैं उनमें से एक सदस्य लिया जाएगा। पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र हैं उनमें से दो सदस्य लिए जाएंगे और दक्षिणी अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उनमें से दो जो सदस्यों को शामिल किया जाएगा। और इसमें पांच स्थायी सदस्य हैं जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना अस्थायी सदस्य हैं। उनका निर्वाचन महासभा के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। महासभा के सदस्य शांति और सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं और ये जो सुरक्षा परिषद है इसके अस्थायी सदस्यों को शामिल करने में भौगोलिक क्षेत्र को बहुत महत्व दिया गया है। जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसे पुनः उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एक बार जिस राष्ट्र का कार्यकाल समाप्त हो गया उन्हें पुनः एक बार नहीं शामिल किया जाएगा। इसके सभापति के बारे में भी उल्लेख है कि सुरक्षा परिषद का एक अध्यक्ष होता है और प्रत्येक जो सदस्य है वो अक्षर क्रम के अनुसार यानी कि अल्फाबेटिकली ABC अक्षर क्रम के अनुसार एक माह यानी 1 मंथ के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सहमति और प्रक्रिया जो है वो स्वयं सुरक्षा परिषद डिसाइड करती है कि इनकी जो अध्यक्ष का जो चुनाव है इनका प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। और ये चार्टर के अनुच्छेद 30 में इनका उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से जो उनका अध्यक्ष है उनका चुनाव होगा। ये निर्णय स्वयं सुरक्षा परिषद करेगी कि हमें अध्यक्ष को किस प्रकार से बनाना है। प्रत्येक माह के लिए अध्यक्ष चुना जाएगा। इनकी जो कार्यप्रणाली है वो किस प्रकार के कार्य करती है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। ये स्थायी रूप से सत्र में बना रहता है। इसकी जो बैठक है वो वैसे 14 दिन में एक बार होती है लेकिन अगर आवश्यकता हो तो अल्प सूचना के आधार पर इसकी 24 घंटे के अंदर भी बैठक बुलाई जा सकती है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि होता है अतः इसकी सदस्य संख्या जो है वो 15 है। समिति या सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक इसके प्रक्रिया संबंधी कार्य हैं और दूसरे इसके जो महत्वपूर्ण विषयों के संबंधी कार्य हैं। प्रक्रिया संबंधी कार्यों में जो निर्णय है वो 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के द्वारा लिए जाते हैं यानी 15 में से अगर 9 सदस्य इनके पक्ष में वोट कर देते हैं तो प्रक्रिया संबंधी जितने भी विवाद हैं उन पर निर्णय हो जाता है और जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन पे सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है। यानी अगर इनके 5 सदस्य राष्ट्रों का जो मत है वो होना आवश्यक है, अगर इनमें से कोई भी राष्ट्र वीटो कर देता है तो वो निर्णय नहीं हो पाता। वीटो से तात्पर्य यह है कि मैं मना करता हूँ, निश्चित अधिकार का अधिकार होता है वीटो का, यानी मैंने वीटो कर दिया यानी मैं मना करता हूँ। यानी कोई भी अगर निर्णय होने वाला है महत्वपूर्ण विषयों पर तो वो निर्णय नहीं हो पाता क्योंकि इसके अंदर एक राष्ट्र सभी के सकारात्मक मत की आवश्यकता है। अगर एक भी राष्ट्र वीटो कर देता है या मना कर देता है तो महत्वपूर्ण जितने भी विषय हैं उन पर निर्णय नहीं हो पाता। यानी सभी 5 सदस्यों की सहमति इसके अंदर आवश्यक होती है। इसकी जो कार्य हैं और उनकी जो शक्तियाँ हैं वो उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें शांति इसको प्राथमिकता दी गई यानी कि सुरक्षा और जो शांति है उसका सर्वोच्च संरक्षक माना गया है। और की जो विशिष्ट शक्तियां हैं वो चार्टर के अध्याय 6, 7, 8
और 13 में दिया गया है। इसमें हम विमर्शी शक्तियों को शामिल करते हैं। विमर्शी शक्तियों में यानी शक्तियों के अंतर्गत कोई भी बहस है, बहस की जा सकती है, डिबेट होता है, उनकी जांच बीन भी की जा सकती है, कोई भी इश्यूज़ का जांच पड़ताल की जा सकती है, और सिफारिशों को भी शामिल किया जाता है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों पर बहस करती है, उनकी छानबीन करती है और उनके संबंध में जो भी सिफारिशें होती हैं वो प्रदान करती है। दूसरी जो इसकी शक्तियाँ हैं वो हैं प्रवर्तन शक्तियाँ या इन्फोर्समेंट फंक्शंस या कार्य। सुरक्षा परिषद को यूएनओ का इन्फोर्समेंट आर्म भी कहा जाता है या प्रवर्तन बाजू भी कहा जा सकता है, और ये निर्णय करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए पहले कौन से साधन अपनाती है, इसमें किसी प्रकार की सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन आर्टिकल 43 में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से यूएनओ के सभी सदस्यों को सुरक्षा परिषद की जो सेना है या अन्य जो सहायता है वो देनी आवश्यक होगी। यानी अगर मिलिट्री की आवश्यकता पड़े तो वह भी आवश्यक है। निर्वाचन के कार्य हैं यानी इलेक्ट्रोल फंक्शंस कौन से होंगे, निर्वाचन किस प्रकार से होगा, यूएनओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास में आवेदन करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद के विचार हेतु भेज देता है। सुरक्षा परिषद उक्त देश की सदस्यता पर विचार करती है और महासभा को सिफारिश करती है कि इसको सदस्य शामिल कर लिया जाए। उक्त सिफारिशों पर उनके सदस्यों का एक मत होना आवश्यक है। अगर सभी सदस्य एक मत नहीं होते हैं तो फिर इसकी जो निर्वाचन नहीं हो पाता। इसके अलावा यूएनओ का महासचिव भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो यूएनओ का जो सेक्रेटरी है या महासचिव है वो भी सुरक्षा परिषद उसके लिए सिफारिश करती है और महासभा के द्वारा वो नियुक्त किया जाता है। झगड़ों का भी सुरक्षा परिषद के द्वारा शांतिपूर्ण निपटारा किया जाता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उनका समाधान करने के लिए यूएनओ के चार्टर के अध्याय 6 में अनुच्छेद 33 से 38 तक इन शक्तियों का वर्णन दिया हुआ है कि झगड़ों का निपटारा किस प्रकार से किया जाए। कोई भी राष्ट्र जो यूएनओ का सदस्य नहीं है, किसी झगड़े की ओर सुरक्षा परिषद एवं महासभा का ध्यान आकर्षित कर सकता है। अगर कोई राष्ट्र इसका सदस्य नहीं भी है तो भी सुरक्षा परिषद और महासभा को उस झगड़े की तरफ ध्यान आकर्षित करवा सकता है। सुरक्षा परिषद किसी भी ऐसे जो कंडीशन के बारे में छानबीन कर सकती है जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव पैदा हो गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा पैदा हो गया है। सुरक्षा परिषद की सैनिक स्टाफ समिति भी होती है। इस समिति के सदस्य सुरक्षा परिषद के 27 सदस्यों में कि जितने भी 27 सदस्य हैं उनके सैनिक स्टाफ के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि होते हैं। सुरक्षा परिषद को दी गई सशस्त्र सेनाओं का सामरिक संचालन और सैनिक स्टाफ समिति के हाथ में होता है और ये परिषद के अधीन होती है। सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति भी होती है या निषेधाधिकार की शक्ति भी होती है, और ये जो शक्ति है ये प्रक्रिया संबंधी विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर सदस्यों का एक मत होना आवश्यक होता है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य मत देते समय अपना नकारात्मक मत दे देता है तो सुरक्षा परिषद उन विषयों पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। सुरक्षा परिषद की इस शक्ति को वीटो पावर कहा जाता है। निषेधाधिकार की क्या पृष्ठभूमि है, निषेधाधिकार क्यों लाया गया,
वीटो का आधार या विचार इस बात का उत्तरदायित्व प्रदान करता है कि अधिकार परस्पर संबंधित होने चाहिए, क्योंकि किसी सशस्त्र कार्रवाई में प्रधानता भार मुख्य शक्तियों को वहन करना पड़ता है और इसका संघ को अपनी शक्ति के लिए महाशक्तियों के आवश्यक सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। यूएनओ की 1945 में स्थापना की गई और इसके बाद में सोवियत संघ ने 12 बार वीटो कर दिया। अमेरिका ने सबसे बार 78 या 78 बार वीटो किया। फ्रांस ने भी कई बार वीटो किया। चाइना ने वीटो किया। यानी लगभग सभी कंट्रीज़ों ने अलग अलग बार अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। वीटो की जो शक्ति है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? वीटो के कारण अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों और घटनाओं पर निर्णय लेना दुर्लभ हो जाता है, यानी निर्णय नहीं हो पाते हैं। यानी कोई भी राष्ट्र अगर वीटो कर देता है, कोई भी निर्णय वह नहीं लिया जा सकता। फिर सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्रों को अमेरिका के विरोध के कारण तथा अमेरिका के समर्थक राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरोध के कारण यूएनओ को सदस्य नहीं बनाया गया, क्योंकि जितने भी अमेरिका के समर्थक राष्ट्र थे, अगर अमेरिका उनकी सिफारिश करता है तो उसका सोवियत संघ विरोध कर देता, अगर सोवियत संघ किसी का समर्थन करता है तो उसका अमेरिका विरोध कर देता। अगर कोई सदस्य बनाया जाना है तो उसको सभी सदस्यों की सकारात्मक सहमति की आवश्यकता होती है। अगर किसी एक विस्थायी सदस्य ने वीटो कर दिया तो वो सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें एक दोहरा वीटो का भी प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, उस चार्टर में प्रक्रिया संबंधी तथा महत्वपूर्ण विषयों में अंतर करना पड़ता है। यानी प्रक्रिया संबंधी कौन से विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, परंतु उनकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। प्रक्रिया संबंधी विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय को महाशक्ति को नकारात्मक मत देने का अधिकार है, इसे पहला वीटो बोलते हैं। दूसरे वीटो का प्रश्न उस समय उठता है जब सुरक्षा परिषद को ये तय करना होता है कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं है। इस विषय पर स्थायी सदस्य वीटो का उपयोग कर सकते हैं। वीटो की जो शक्ति है वो किस प्रकार से सुरक्षा परिषद के महत्व को कम कर देती है? 5 महाशक्तियों को वीटो के कारण सुरक्षा परिषद प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। सुरक्षा परिषद जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए उस प्रकार के कार्य सुरक्षा परिषद नहीं कर पाती। 1950 में इसीलिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया, शांति प्रस्ताव के लिए संगठन किया गया और महासभा को सुरक्षा समिति से अधिक शक्तियाँ दी गई कि सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो हो रहा है और इसलिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया जाए और महासभा को कुछ विशेष पावर्स दिए गए। क्षेत्रीय जितने भी समस्याएं हैं, संधियाँ हैं, वो भी इसलिए हुई, जितनी भी संधियाँ बनी या रीजनल जितने भी संगठन बने या ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्षेत्रीय संगठन बने, यूएनओ के बाहर जितने भी नाटो, सीटो, वारसा पैक्ट बने, ये भी क्या है, सुरक्षा परिषद की जो सम्मान है उसको कम कर देता है। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद को एक विश्व का कार्यपालिका अंग के रूप में शक्तियाँ दी गई थी, लेकिन उसकी जो वीटो के कारण उसका वह भूमिका नहीं रह पाई जो वास्तविक रूप से उसकी भूमिका होनी चाहिए थी। सुरक्षा परिषद को अधिक मजबूत बना करके ही या उसकी जो शक्तियां हैं उनको अधिक जिम्मेदार बनाकर या जिम्मेदारी से अगर सुरक्षा परिषद उनका निर्वहन करती है तो ही यूएनओ ज़्यादा सफल हो सकता है।